तो दोस्तों अभी आप लोग स्क्रीन पे एक वीडियो देख सकते हो जिसपे मैंने बताया था कि YouTube वीडियोस अपलोड करने का सही तरीका। और इस वीडियो पे गाइस अभी आप लोग व्यूज देख सकते हो 29 लाख 2.9 मिलियन, मतलब मान के चलो 3 मिलियन के करीब इस वीडियो पे व्यूज है। अगर दोस्तों इस वीडियो की आज से 6 महीने पहले की बात करें, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था, मार्च में हमारा इंडिया में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च से पहले इस वीडियो पे ओनली 5 से 6 लाख व्यूज था और इस लॉकडाउन के पीरियड पे ही इस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताऊंगा कि यूट्यूब का क्रेज किस तरह से बढ़ा है और अभी क्या क्या चेंजेस आई है और आपको क्या करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और क्या लोग अभी कर रहे हैं, तो बहुत कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को गाइज आप लोग एंड तक देखते रहना, चैनल पर या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं कि आज से 2 साल पहले या तो 3 साल पहले की अगर बात करें तो गाइज यूट्यूब रिलेटेड जो वीडियोज होते थे उनमें इतना व्यूज कभी आता ही नहीं था। मिलियन में व्यूज आना बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलियन में व्यूज जाता था कोई यूट्यूब रिलेटेड वीडियो पे, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियो पे। लेकिन अभी 2 मिलियन 3 मिलियन आम बात हो गया है यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस पे व्यूज आना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो जब 2-3 मिलियन व्यूज आ रहा है इसका मतलब ये है कि यूट्यूब पे क्रेज कितना ज्यादा बढ़ गया है। अभी आप लोग मान के चलो जो वीडियो पे मेरा 29 लाख व्यू आया है उस पर मैंने बताया था कि यूट्यूब वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, तो उस वीडियो पे अगर 3 मिलियन व्यू है 30 लाख तो वो देखने वाले कौन होंगे? जिनका चैनल है, जो क्रिएटर है वही देखे होंगे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का काम किया किनका है? जो क्रिएटर है। तो मान के चलो कि उस वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आया है लॉकडाउन से, तो लॉकडाउन के बाद सिर्फ 3 मिलियन आप मेरे मतलब वीडियो के व्यूज से अप्रोक्स मान सकते हो कि 30 लाख लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं नए। वैसे जुड़े तो करोड़ों में होंगे, ठीक है, लेकिन 30 लाख में अभी एवरेज उस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ अप्रोक्स में, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक नंबर है और कितना ज़्यादा YouTube का क्रेज इस टाइम बढ़ चुका है और कितने लोग अभी YouTube पे आ रहे हैं। आप गाइज बात करते हैं कि आज से जो है YouTube, अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर क्या होता था कि लोग वीडियोस भी बनाते थे, पैसे भी कमाते थे, उसके साथ साथ अपना रिस्पेक्ट जो होता है उसको भी ध्यान में रखकर काम करते थे। लेकिन अभी रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब चीज़ कोई देखता ही नहीं है यूट्यूब पे, सिर्फ अपने आप को व्यूज़ चाहिए सबको और पैसा चाहिए। यहाँ पर मैं बात इसलिए ये वाला आप लोगों से साथ कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि आप लोग अभी यूट्यूब पर देखना कि रिकमेंडेशन में बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को थंबनेल कुछ ऐसा दिखता है पूरा सेक्सुअल टाइप का, ठीक है, कुछ भी, मतलब लड़की के लगा करके फिर बता देता है, मतलब कुछ भी प्रैंक्स चैनल पर ज़्यादा होता है। प्रैंक्स चैनल पर आप लोगों को पता होगा कि कैसे कैसे वीडियोज हमारे रिकमेंडेशन में आता है। हम लोग एक टाइम टिकटॉक को बोलते थे कि क्रिंज वीडियोज होते हैं, टिकटॉक पे अच्छे वीडियोज नहीं होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी अब गंदगी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रीज़न ये है कि क्रेज बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बढ़ चुका है, सबको यूट्यूब पे आगे बढ़ना है, किसी तरह से सब्सक्राइबर बनाना है, किसी तरह से पैसा कमाना है, चाहे उनका मान हानि हो, कुछ भी हो, इज्जत ना रहे, रिस्पेक्ट ना रहे, कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है, उनको सिर्फ व्यूज चाहिए और पैसा चाहिए। यहाँ तक कि मान के चलिए कि आप लोग प्रैंक्स वीडियोस जो आप लोग देखते हो, जो उस तरह का काम करते हैं, तो आप समझ सकती हो वो जो है उनका वीडियो तो उनका रिलेटिव्स भी देखते होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स भी देखते होंगे, तो पता नहीं वो लोग कैसे ये सब काम कर लेते हैं। एक तरह से मेरे अनुसार देखिए, पैसा हर चीज़ पे, पैसा ही बहुत मैटर नहीं करता है। एक तरह से बोला जाए तो पैसा तो गाइस सबको ही कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना जो होता है ना वो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। पैसा देखिए, कोई एक गंदा काम, गलत काम करके भी पैसा कमाता है, कोई अच्छा काम करके भी पैसा कमाता है, लेकिन जो अच्छा काम करके पैसा कमाता है उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं उनको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको भले सामने में रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन पीठ पीछे उनको गाली ही पड़ता है जो गलत काम करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। ये जो है रियलिटी है इस दुनिया की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को यूट्यूब से क्रेज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और मैं आप लोग दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस आई है। तो गाइज अभी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो वीडियो मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो अभी मेरा यही वीडियो है, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, जिसमें 29 लाख व्यूज़ है, जिसपे लॉकडाउन से पहले ज़्यादा व्यूज़ नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज जो है मेरे लॉकडाउन के बाद वायरल हुए हैं, जैसे ये वाला एक, हाउ टू एड थंबनेल इन यूट्यूब वीडियोज, इसमें भी 2 मिलियन व्यूज़ है, 20 लाख, जबकि इसमें लॉकडाउन से पहले इसमें भी ज़्यादा नहीं था, 6-7 लाख शायद करीब था, 2 मिलियन इसमें भी हो चुका है। उसके बाद वाला जो एक वीडियो दिख रहा है, हाउ टू मेक प्रोफेशनल लोगो, उसमें भी 2 मिलियन व्यूज़ है, जो कि लॉकडाउन के टाइम ही मैंने कुछ दिन पहले शायद बनाया था, नहीं 1 ईयर हो चुका है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा व्यूज़ लॉकडाउन से पहले नहीं था, लॉकडाउन के बाद ही इन सारे वीडियोज पर मेरा सारा वीडियो वायरल हुआ है। क्या हाइड कैसे करें सब्सक्राइबर, 2 मिलियन व्यूज़ है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, 17 लाख व्यूज़ है, ठीक है, बैंक अकाउंट कैसे जोड़ते हैं, 12 लाख व्यूज़ है, मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे करते हैं, 11 लाख व्यूज़ है, 1K सब्सक्राइबर्स के बाद क्या क्या मिलता है, 11 लाख व्यूज़ है, मतलब मिलियन में बहुत सारे वीडियोस मेरे गए हैं सिर्फ लॉकडाउन के बाद, उससे पहले कोई भी वीडियो मिलियन में टच नहीं किया हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी यूट्यूब पर कितना ज़्यादा क्रेज बढ़ चुका है अभी, और ये क्रेज बढ़ने का रीज़न भी कोरोना और लॉकडाउन भी बहुत मैटर करता है, और टिकटॉक बैन भी बहुत बड़ा मैटर करता है। टिकटॉक बैन होने की वजह से भी सारा ऑडियंस अभी यूट्यूब पे आ चुका है, और लॉकडाउन होने की वजह से क्या हुआ कि सबको
काम जो होता है, जिनका बहुत कोई का जो है अनएम्प्लॉय हो गए, ठीक है, उनका काम चला गया, तो ऐसे में सब कोई देखने लगे कि घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं, तो उनको एक रास्ता दिखा जो कि है यूट्यूब। यूट्यूब के थ्रू हम लोग ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा खासा, लेकिन उतना आसान नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करना पड़ता है और लाखों में दो चार का ही होता है, ठीक है, सबका होता ही नहीं है, वो भी आप लोगों को पता होगा। तो बस इस वीडियो से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो हाई है, लेकिन ये चीज़ सोच करके आप लोगों को नहीं समझना है कि हाँ यूट्यूब अब मैं नहीं आऊँगा, बहुत कंपटीशन हो गया है, 3 मिलियन लोग जुड़ चुके हैं या तो करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग कोई जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें भी देखना कि लाखों लड़के फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो ओनली सीट जो होता है वो 50 या 60 का ही होता है, मतलब सिलेक्शन जॉब जो होगा वो 50-60 का ही होगा, लेकिन लोग तो वहाँ पर 6 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तब तो आप उस वक्त नहीं समझते हो कि नहीं 6 लाख लोग भर चुके हैं तो 60 में तो सीट ही है, फिर मेरा होगा या नहीं, लेकिन आप फिर भी अप्लाई करते हो क्योंकि आपको भरोसा होता है कि मैं अगर पढ़ के मेरा उस तरह का कमांड बना हुआ है तो मैं 60 में से एक सीट में ले लूँगा, क्योंकि आपको एक ही सीट की ज़रूरत है, आपको 60 की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से यूट्यूब पे मान लीजिए कितना भी कंपटीशन है, अगर आप में टैलेंट है, आप कुछ यूनिक काम कर सकते हो, क्वालिटी कंटेंट बना सकते हो, कुछ अच्छा वीडियोस बना सकते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कंपटीशन कितना भी हो जाए। जब मैं यूट्यूब पर आया था उस टाइम भी कंपटीशन था, आज आप हो तो अब भी कंपटीशन है, और आज से 2 साल बाद देखोगे तब भी कंपटीशन होगा। तो इसलिए ये चीज़ सोच करके कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, काम करते रहिए, अच्छे कंटेंट बनाइए, डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर सक्सेस हासिल करोगे। सो गाइज, उम्मीद करूँगा आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज किसी वीडियो पर इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।